बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एंट्री टेस्ट लेक्चर सीरीज। आज हम न्यू चैप्टर भी डिस्कस करेंगे एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट द होल चैप्टर इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। अगर चैप्टर के थ्रू हम जाएंगे तो चैप्टर का जो नाम है वो हमारे पास है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। मैं थोड़ा सा इन दोनों के बीच में जो है आपको फर्क बता देता हूँ, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, जब हम रोटेशनल या सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जो मेजर कॉन्सेप्ट चाहिए वो किसका चाहिए, वो चाहिए रिजिड बॉडी का। ठीक है, रिजिड बॉडी जो है आप उसको सॉलिड बॉडी भी कह सकते हैं, यानी कि जो सख्त हो, है ना, सख्त जो हो। ठीक है, तो रिजिड बॉडी इन विच एटम्स जो है वो बाउंडेड हो, ठीक है, तो उसको हम रिजिड बॉडी कह सकते हैं। अब क्या होता है कि इसमें रोटेशनल मोशन की अगर बात की जाए तो रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी जब सर्कुलर पाथ मूव करती है, जब गोल घूमती है, तो इस रिजिड बॉडी की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR का मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है बॉडी की वो कहां पर होती है, वो इनसाइड द बॉडी होती है, यानी कि जिस पॉइंट के अलांग, जिस लाइन के अलांग वो बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है। सो दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इनसाइड ऑफ दैट रिजिड बॉडी, वो रिजिड बॉडी के इनसाइड होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं भाई, मोशन ऑफ अ फैन, अगर हम किसी पंखे का मोशन ले लें जो छत पर लगे होते हैं, मोशन ऑफ फैन, है ना, अगर उसको देख लें तो हमें ये पता है कि ये जो फैन है ये पूरी छत पर नहीं घूमता बल्कि छत की किसी एक पॉइंट पर मूव करता रहता है। तो मोशन ऑफ फैन को हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि फैन जिस पॉइंट के अलांग, जिस लाइन के अलांग मूव कर रहा है वो उसी से ही पास हो रही है, उसी के इनसाइड ही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, हमारे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी होगी। अब उस रिजिड बॉडी को हम क्या करेंगे, उस रिजिड बॉडी को हम मूव करवाएंगे। ठीक है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा आउटसाइड द बॉडी, यानी कि वो बॉडी के अंदर नहीं होगा बल्कि बॉडी के बाहर होगा। अब बॉडी के बाहर कैसे होगा, जैसे मैं आपको कहूं मोशन ऑफ अर्थ, जो जमीन का मोशन होता है, और किसके इर्द गिर्द मोशन हो, जमीन का मोशन हो अराउंड सन, सूरज के इर्द गिर्द जब घूमती है जमीन। तो देखें, जब जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है तो ये हमारे पास सन एट द सेंटर होता है और ये जमीन है जो मूव कर रही है इसके सराउंडिंग ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये जो जमीन सूरज के इर्द गिर्द मूव कर रही है, तो क्या ये सूरज जमीन के अंदर है, नहीं, ये तो सूरज जमीन के बाहर है, मतलब वो जिस पॉइंट के अलांग मूव कर रही है अर्थ, वो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसको हम सन कह रहे हैं, और वो आउटसाइड ऑफ दैट बॉडी है, उस बॉडी के क्या है, आउटसाइड है, अर्थ के आउटसाइड। तो इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है, जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड हो जाए तो वो सर्कुलर मोशन है, और जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड हो तो वो हमारे पास रोटेशनल मोशन है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद कीजिएगा सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में। उसके बाद जब हम एंगुलर मोशन पढ़ते हैं, मतलब जिसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ मूव करे और कोई ना कोई सेंटर के साथ एंगल बनाए, ठीक है, तो एंगुलर मोशन में, एंगुलर मोशन पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को हम देख लेते हैं, उन क्वांटिटीज को हम देख लेते हैं। तो मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, होप सो दैट इट इज विजिबल फॉर यू। तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट जो है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, गौर से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको मजीद थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि भाई ये एंगुलर टर्म्स हैं। एंगुलर टर्म का क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई एंगल का रिलेशन बनेगा, सही है, कोई ना कोई एक एंगल बनेगी। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दरहकीकत थीटा ही होती है, थीटा का मतलब क्या है, एंगल ही होती है। लेकिन इस एंगल का काम क्या होता है, ये वो एंगल होती है जो हमें क्या बताती है, डायरेक्शन एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी, यानी कि जब कोई भी बॉडी रिवॉल्व करे किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग। जैसे मैं आपको कहूँ कि मेरे पास कोई एक कांस्टेंट पॉइंट है और कांस्टेंट पॉइंट के इर्द गिर्द जो है एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, जैसे ये एक सर्कुलर पाथ अभी आपको नजर आया होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई ना कोई सेंटर होगा इस वाली पॉइंट पर, तो अब यहाँ पर कुछ ना कुछ, यहाँ पर एक बॉडी है जो इस पॉइंट पर है, पॉइंट ए पर, आफ्टर सम टाइम हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर आ रही है पॉइंट बी पर, इसी तरीके के साथ आफ्टर सम टाइम देख रहे हैं तो पॉइंट सी पर आ रही है, फिर सम टाइम्स दे रहे हैं तो पॉइंट डी पर आ रही है, फिर दोबारा पॉइंट ए पर वापस लौट के आ गई। अब अगर देखा जाए तो सेंटर से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस ऑफ सर्किल कहते हैं,
इसी तरीके के साथ पॉइंट बी से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे भी रेडियस कहते हैं, पॉइंट सी से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे भी हम रेडियस कहते हैं, और पॉइंट डी से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस भी हम रेडियस कहते हैं। अब ए और बी के बीच में अगर मुझे एंगल चाहिए तो ये गिवन एंगल है जो हम सेंटर से कंसीडर करते हैं, फिर कितने की भी एंगल बने उसको हम लीव इट आउट कर देते हैं, तो इस एंगल को हम थेटा नाम दे देते हैं। अब ये जो सेंटर के साथ एंगल बनी है ना, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो क्या बताएगी, जो बताएगी डायरेक्शन एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी, जो डायरेक्शन भी बताएगी और रिवॉल्विंग बॉडी का क्या बताएगी, डिस्प्लेसमेंट भी बताएगी इस केस में। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा जो अभी मैं सर्कुलर मोशन में आपको एंगल का कॉन्सेप्ट दे रहा था। अब ये लाजमी नहीं होता कि गिवन एंगल 90 की बने या कोई भी एंगल बने तो कोई भी हम बना सकते हैं, तो मैं डिफरेंट एंगल के यहाँ पर केसेस डिस्कस करूंगा, फिर हम उसके यूनिट की तरफ जाएंगे। तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर मेजर फंक्शन क्या है इस चीज का और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ये नोट्स में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि एक कोई भी बॉडी है जो सर्टेन पॉइंट पर है, उस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक सेंटर है और सेंटर से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है हम उसको रेडियस ऑफ सर्किल कहते हैं, सर्किल का रेडियस कहते हैं। अब ये जो कोई भी बॉडी है वो पॉइंट ए से किसी दूसरी पॉइंट पर जा रही है लेकिन सर्कुलर पाथ में जा रही है, ठीक है, और वो आई इस वाली पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं। अब सेंटर से लेकर पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस होगा उसे भी हम रेडियस कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एक बी वाली लाइन की, एक ए वाली लाइन की, तो सेंटर से एक एंगल बनेगी, उसको हम क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये वाला जिसको अभी मैं ब्लैक लाइन से बना रहा हूँ, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ ऑफ सर्किल। आर्क लेंथ क्या होता है, सर्किल का एक छोटा सा हिस्सा होता है, यानी पार्ट ऑफ सर्किल आप उसे कह सकते हैं, जिसको हम एस के साथ डिनोट कर सकते हैं, पार्ट ऑफ सर्किल एक छोटा सा हिस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर तीन क्वांटिटीज है, कौन सी तीन क्वांटिटीज है, एक थेटा जो गिवन एंगल बन रही है, एक रेडियस ऑफ सर्किल है, और दूसरा हमारे पास क्या है, एस, जिसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं या जिसको आप आर्क लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो थेटा का रिलेशन बनेगा, वो थेटा का रिलेशन क्या बनेगा, दैट इट इज द रेशियो बिटवीन एस डिवाइडेड बाय आर। अच्छा, ये कहाँ से आता है, इस चीज को आप फिलहाल छोड़ दें, आगे चल के हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। तो थेटा का रिलेशन क्या बनेगा, इस थेटा जो गिवन एंगल है उसका रिलेशन ये बनेगा, इट इज द रेशियो बिटवीन एस डिवाइडेड बाय आर। एस क्या बताया अभी मैंने, सही है, आर्क लेंथ, और आर क्या बताया मैंने, सर्किल का रेडियस, तो एस डिवाइडेड बाय आर। अब ये जो गिवन थेटा है, ये मुख्तलिफ जो है ना यूनिट्स में मेजर हम कर सकते हैं। अब थेटा का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है, यहाँ पर मैंने लिखा है आर ए डी, रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ थेटा, ये थेटा का एसआई यूनिट है। थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर मुझे वन रेडियन चाहिए, यानी थेटा की वैल्यू अगर वन चाहिए, तो जितनी वैल्यू एस की होनी चाहिए उतनी वैल्यू आर की होनी चाहिए, जाहिर सी बात है तभी तो कैंसिल होंगे ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा व्हेन एस इज इक्वल टू आर, जब एस आर के बराबर हो जाएगा तो थेटा की वैल्यू क्या आएगी, वन रेडियन। देखें, अगर एस टू हो आर भी टू हो, अगर एस थ्री हो तो आर भी थ्री हो, अगर एस फोर हो तो आर भी फोर हो, भाई अगर बराबर नहीं होंगे तब भी एंगल रेडियन में मिल सकती है, लेकिन वन रेडियन के लिए क्या लाजमी है कि बोथ आर द सेम एंगल्स, दोनों की जो एंगल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो दो दो में कैंसिल हो जाएगा वन, तीन तीन में कैंसिल हो जाएगा वन, चार चार में कैंसिल हो गया वन, यानी कि जब एस और आर आपस में बराबर होते हैं, यानी कि व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल द एंगल इज सेड टू बी वन रेडियन। ये एमसीक्यू याद कीजिएगा कि वन रेडियन हम इसे किसे कहते हैं, ठीक है। अब थेटा को हम डिग्री में कन्वर्ट करें, क्योंकि सर्किल में आपने डिग्रीज पढ़ी होंगी, तो इनकी कन्वर्जन आप देख लें। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि ये जो पार्टिकल अब पॉइंट ए से निकला था, अगर ये दोबारा पॉइंट ए पर वापस लौटे तो इसको हम सर्किल का सर्कमफ्रेंस कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितने के बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है, ये मैथमेटिकल टर्म्स है, कुछ अपने ध्यान में रखना होगा। तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर, यानी फुल कंप्लीट सर्किल के लिए एस 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो थेटा की वैल्यू क्या थी, एस डिवाइडेड बाय आर, तो एस की जगह पर आपने 2 पाई आर रखना है और आर डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, तो आर वाला टर्म आर में खत्म हो जाएगा, तो थेटा किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई रेडियंस के बराबर हो जाएगी। और मुकम्मल सर्किल के लिए थेटा की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्रीज, तो आप कह सकते हैं सर 360 डिग्रीज होंगी, या कितने रेडियंस होंगे, 2 पाई रेडियंस होंगे, तो एक ही बात है, 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, काइंडली रिमेंबर दिस वन। अब अगर मुझे यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 1 डिग्री की, तो 360 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे रखे डिवाइड करेगा, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, देखें 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है, ये डिग्रीज है।
अब अगर मुझे 1 डिग्री चाहिए तो 360 को डिवाइड कर दें, यहां पर भी डिवाइड कर दें, तो ये गेट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिग्री आंसर आ जाएगा। 2 की टेबल 360 पर कितनी मर्तबा जाएगी, 180 टाइम्स जाएगी, यानी 1 डिग्री में पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस होते हैं। अब अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा पाई अपॉन 180 के साथ। भाई 2 डिग्रीज हो, 3 डिग्रीज हो, 4 डिग्रीज हो, तो मैं ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म करता जाऊंगा, यानी मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 80। इसको हम जो ना व्हाइट बोर्ड पर एक मरतबा और एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे 1 रेडियन में डिग्रीज चाहिए तो 1 रेडियन में कितनी डिग्रीज होती है, 57.3 डिग्रीज। याद रखिएगा 1 रेडियन के अंदर कितनी डिग्रीज होती है, 57.3 डिग्रीज, और 1 डिग्री के अंदर रेडियन कितने होते हैं, 0.0174। तो ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट्स ध्यान में रखनी है, 1 रेडियन में डिग्रीज या 1 डिग्री में रेडियंस कितने के बराबर हो सकते हैं। लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड स्क्रीन में, वहां पर इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं। देखिएगा अभी मैंने आपको जो है वो दो कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल से समझा दिए, किसके बीच में, डिग्री और रेडियंस के बीच में। हम मुख्तलिफ एंगल्स को जो है ना डिग्री और रेडियंस में एक मरतबा क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपके लिए ये चीज जो है ना फिर वो क्लियर हो जाए। देखें अगर आपको कहीं पर भी, अगर आपको कहीं पर भी डिग्रीज मिली हो 1 डिग्री, तो अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको कहूं कि मुझे 90 को कन्वर्ट करके देखा है रेडियन में, तो आपने क्या करना है, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, ठीक है। तो 0 0 इसका खत्म कर दें, सही है, 9 की टेबल 9 पर 1 टाइम्स और 18 पर 2 टाइम्स, तो इसका आंसर आएगा पाई अपॉन 2 रेडियंस। समझ में आ गया। इसी तरीके के साथ अगर मैं 60 डिग्रीज का हूं, उसको कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, सही है, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। पाई ओवर 180 के साथ क्या आंसर आएगा इसका, 6 की टेबल 6 पर 1 टाइम्स और 6 पर 3 टाइम्स, तो इसका आंसर आएगा पाई अपॉन 3 रेडियंस। ये ना हम वेव्स में ज्यादातर यूज करते हैं, वो जो हम वेव बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, तो मुख्तलिफ एंगल्स यूज करते हैं। चलो उसके बाद अगर आपके पास भाई 180 की डिग्री हो तो रेडियंस कितने बनेंगे, 180 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, कितना आंसर आएगा, पाई रेडियंस आएगा, 1 रेडियन नहीं बल्कि पाई रेडियंस आएगा, पाई रेडियंस। तो इसी तरीके के साथ आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है पाई जो हमने डिग्रीज को रेडियन में। अब अगर रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो इसका उलट कर दें, पाई अपॉन 180 को 180 अपॉन पाई कर दें, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूं मुझे 2 पाई को डिग्रीज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, ठीक है, 180 ओवर पाई। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 3 पाई को जो है ना वो कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो 180 डिवाइडेड बाय पाई। ऐसे आते नहीं है, लेकिन जो मैं ये पूरा समझाने का मतलब क्या है, समझाने का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए डिग्रीज और रेडियन की कन्वर्जन। तो पाई को पाई में कैंसिल कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 कितना आएगा, 360 डिग्रीज, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पाई पाई में खत्म कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना आ जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 2 4 3, इट बिकम्स 540 डिग्रीज। तो इसी तरीके के साथ आपने इन चीजों को क्या करना है, कैलकुलेट करता जाना है। भाई पाई अपॉन 2 को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 2 180 पाई बाय पाई मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पाई गेट कैंसिल, 2 की टेबल 180 पर 90 टाइम्स जाएगी, तो 90 डिग्री। तो ऐसे आपने क्या करना है, कन्वर्जन करनी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मुझे 1 रेडियन के अंदर डिग्रीज चाहिए तो कितनी होंगी, 57.3 डिग्रीज, ठीक है। और अगर 1 डिग्री चाहिए तो रेडियंस कितने होंगे, 0.0174 रेडियंस। तो ये आपने चीजें जहन में रखनी है। अब समझ आ गया, ओके चलो। तो अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन है। अब नेक्स्ट तो मैं जो है वो नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ओके। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये जो हम थेटा है, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो समझिएगा, जो थेटा की वैल्यू अगर हम स्मॉल लेंगे, बिल्कुल स्मॉल एंगल ले लें, तो हमें तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर हम बिल्कुल स्मॉल लेंगे ना, तो सर्कुलर पाथ में एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, तो वहां पर हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। तो थेटा अगर स्मॉल होगी तो कंसिडर टू बी वेक्टर, अगर लार्जर होगी तो हम उसको स्केलर में कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, एक और यूनिट होता है जिसको हम रिवोल्यूशंस कहते हैं। अगर एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है तो यानी कितने रेडियंस बन रहे हैं, 2 पाई रेडियंस बन रहे हैं और 360 डिग्रीज बन रहे हैं। अगर n रिवोल्यूशंस होंगे तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय n, 2 पाई को हमने क्या करना है, n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। चले, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसको हम नेक्स्ट जो है ना प्रैक्टिस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की कंडीशंस में। देखिएगा अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी ये बताती है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स, ऑब्जेक्ट कितना फास्ट घूमेगा। जैसे पंखा है ना, घरों में पंखा लगा होता है,
तो पंखा जो है वो कितना फास्ट रोटेट कर रहा है या कितना स्लो रोटेट कर रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो वैसे एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, जैसे हम वेलोसिटी पढ़ते हैं बाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एंगुलर टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। यूनिट क्या बनेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन और टाइम का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इज द एसआई यूनिट, वरना डिग्री पर सेकंड भी हो सकता है, या इसको हम रिवोल्यूशंस पर मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम आगे चल के इसकी कन्वर्जन देख लेते हैं। अच्छा, ये है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसी भी लिमिट के लिए होता है, किसी भी एक महदूद पॉइंट के लिए होता है, एक लिमिट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो यहां पर उसी चीज को हमने यहां पर एक्सप्रेस कर दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब इंस्टेंटेनियस एवरेज के बराबर हो जाएगा तो ओमेगा यूनिफॉर्म हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस ओमेगा के बराबर ना हो तो नॉन यूनिफॉर्म होगी, यानी कहीं पर उसकी रोटेशन तेज होगी तो कहीं पर स्लो होगी। लेकिन अगर रोटेशन उसकी जो है वो कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म रेट में चले, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर दो एक कंडीशन है, कौन सी, कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज आपस में क्या है, बराबर है। ऐसा यूनिट क्या है इसका, इसका ऐसा यूनिट बनेगा रेडियन पर सेकेंड, नहीं तो हम इसको रेवोल्यूशन पर मिनट में भी देख सकते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था कि भाई एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं, और मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 60। तो रेवोल्यूशन पर मिनट को अगर रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 60 करेंगे। समझ में आ गया? ओके, चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास कुछ मुख्तलिफ केसेस हैं इसे एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेटेड, वो डिफरेंट रिलेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। भाई कुछ रिलेशन आपने जहन में रखने होंगे, जब तक जहन में नहीं रखेंगे वो रिलेशन की बुनियाद पर भी एमसीक्यूज कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि भाई अगर आप जो है वो टाइम दे रहे हैं ना इस सीरीज को, जो मैं लेक्चर सीरीज बता रहा हूँ, तो काइंडली जो है ना आप इन पर थोड़ा सा फोकस करते जाएं। देखें, हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है वो किसके बराबर है, थेटा ओवर टी। और अगर मुझे थेटा का रिलेशन चाहिए तो टी डिवाइड कर रहा है, इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो थेटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। हम ये वेव्स में बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, तो इसको जहन में रखिएगा, थेटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। अगर एक सर्किल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो जो थेटा की वैल्यू होती है वो रेडियंस में कितनी होती है, जल्दी बता दें, 2 पाई, करेक्ट। तो थेटा की जगह पर हम 2 पाई रखेंगे, और एक सर्किल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है हम उसे टाइम पीरियड कहते हैं, तो डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ये जो कैपिटल टी है हम इसे क्या कहेंगे, इस कैपिटल टी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्किल या वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और मुकम्मल एंगल कितनी लगेगी, 2 पाई। अब ये डिनोमिनेटर में टी है, अब ये जो इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो 1/T को हटाकर हम क्या पुट कर देंगे, एफ पुट कर देंगे, तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई/2 पाई f। ये रिलेशन याद कीजिएगा। और अगर मैं टाइम ना लिखूं, मुझे गिवन हो, तो मैं 2 पाई रेडियंस पर टाइम भी लिख सकता हूँ। तो ये कुछ रिलेशंस आपने जहन में रखना है। उसके बाद आपने जो है वो क्लॉक नीडल के कॉन्सेप्ट को समझना है। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा, आगे चल के बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे आने वाले, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। देखिएगा भाई, हमारे पास क्लॉक नीडल में ना, क्लॉक में 3 नीडल्स होती हैं, एक सेकंड को शो करती है, एक मिनट को शो करती है, घंटों को शो करती है, आवर्स को शो करती है। जो सेकंड को शो करती है उसमें एक चक्कर कंप्लीट होगा तो कितने रेडियंस बनेंगे, 2 पाई। लेकिन टाइम कितना लगेगा, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितने सेकंड्स लगेंगे, एक चक्कर मतलब 12 से निकले और 12 पर जाके खत्म हो, ये 12 से निकले, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे चक्कर कंप्लीट करा के 12 पर वापस लौटे तो कितने सेकंड्स लगते हैं, 60 सेकंड लगते हैं, करेक्ट। तो 2 पाई/60, तो जो सेकंड की नीडल होती है ना उसकी जो एंगुलर स्पीड होती है वो कितने के बराबर होती है, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब मिनट में, तो मिनट में जब 12 से लेकर 12 तक कंप्लीट होता है तो 1 मिनट हो जाता है, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स की कंपेरिजन हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर मुझे मिनट की कंपैरिजन चाहिए तो उसको हम सेकंड्स में कैसे देखेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 के लिए हम यूज करेंगे। और अगर मुझे घंटों के लिए चाहिए, ओवर्स के लिए चाहिए, ठीक है, तो ओवर्स के लिए हम इसको कैसे मैयर करेंगे कि भाई वो जो चक्कर कंप्लीट करेगी है ना ओवर्स के लिए, वो कितने होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। देखिए क्लॉक में ना 12 आवर्स होते हैं, तो 12 और 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड्स। तो ओवर के लिए जो एंगुलर स्पीड होगी वो ये होगी, मिनट्स के लिए ये होगी, और सेकंड के लिए ये होगी, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो है ना मैंने आगे चल के इन चीजों को कंटिन्यू करना है। मैं एक मरतबा फिर इस चीज को थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ, देखिएगा भाई, सेकंड्स के लिए 60 पुट कर देंगे सिंपली, मिनट का काम होता है घंटों, क्योंकि एक चक्कर कंप्लीट कर लेना, 12 से 12 तक निकला मिनट वाली सुई, तो 1 घंटा हो जाता है,
एक घंटे में सेकंड्स चाहिए तो एक घंटे में 60 मिनट और मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, तो सेकंड मिल जाएंगे यानी 3600। और अगर आवर की निडल देखें तो वो तो दर हकीकत क्या करती है, वो तो 12 घंटे कंप्लीट करती है। तो 12 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो ये आपने जो है ना इनकी ओमेगा एंगुलर स्पीड को जहन में रखना है, फॉर सेकंड निडल, फॉर मिनट निडल एंड फॉर आवर्स निडल। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। ऐसे ही वही सेम कॉन्सेप्ट है भाई, अगर रोटेशन हो तो रोटेशन में हमारे पास क्या होता है, एक दिन कंप्लीट होता है। एक दिन कंप्लीट करने का क्या मतलब है, कितने घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो 24 और घंटे में कितने मिनट, 60, और मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो ये रोटेशन के लिए आपने ध्यान में रखना होगा एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ के केस में। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, अल्फा एंड थीटा, ये हम डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड रूल में, जिसमें दो चीजें याद रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज को फिजिक्स में पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और क्लॉकवाइज को क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। जस्ट उसकी रिप्रेजेंटेशन है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें राइट हैंड रूल क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये एक सर्कुलर पाथ है जिसमें कोई भी बॉडी जो है वो घूम रही है, अगर वो क्लॉक के डायरेक्शन में जाए तो क्लॉकवाइज है, अगर उसके अपोजिट जाए तो एंटी क्लॉकवाइज है। आपने क्या करना है, आपने अपनी राइट हैंड, RH मतलब राइट हैंड, राइट हैंड की जो फिंगर्स है ना उनको कर्ल करना है रोटेशन के डायरेक्शन में। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज में घुमा रहा हूं तो मेरा जो थंब है वो नीचे की मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर मैं अंदर की तरफ नहीं बना सकता तो मैं नीचे की तरफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे की तरफ जा रहा है तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज बन गया, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम ओमेगा को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ये जस्ट कन्वेंशन होती है और कुछ नहीं होता। ऐसे ही अल्फा को भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और थीटा को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनका अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए राइट हैंड रूल के हिसाब से, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। आगे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जैसे हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन थी, तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है जल्दी से बता दें, करेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, तो डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल वर्ड की मीनिंग है चेंज, तो चेंज क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर मुझे इसका यूनिट चाहिए तो सिर्फ मैं यहाँ पर रेडियन पुट करूंगा और यहाँ पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके और यूनिट भी हो सकते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर भी हो सकते हैं। ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है, तो कोई हम एक लिमिट पुट कर देंगे किसी भी गिवन टाइम में। ठीक है, अब अगर इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर होंगी तो अल्फा यूनिफॉर्म हो जाएगी, अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर नहीं होगी तो अल्फा क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, देखें क्या होने वाला है। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई जो अल्फा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी। मैं आपको कहूँ कि एक पंखा है, कोई भी चीज है जिसने रोटेशन स्टार्ट किए लेकिन रेस्ट से स्टार्ट किए, तो रेस्ट का क्या मतलब है कि ओमेगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि ओमेगा एफ इज ग्रेटर देन ओमेगा आई, यानी कि इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीजेस। अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज होगी तो अल्फा और ओमेगा दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब है, बोथ हैव अ सेम डायरेक्शन। अगर दोनों आउट ऑफ पेज जाएंगे, अगर ओमेगा आउट ऑफ पेज जाएगी तो अल्फा भी आउट ऑफ पेज यानी ऊपर की तरफ, अगर जो है वो ओमेगा जो है वो इनसाइड द पेज आएगी तो अल्फा भी इनसाइड पेज आएगी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा ऐसा चल रही है और आगे चल के रुक जा रही है, यानी ओमेगा एफ जीरो के बराबर हो जाए, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज का क्या मतलब है कि अल्फा और ओमेगा आर एंटी पैरेलल। अगर ओमेगा इनसाइड द पेज है तो अल्फा आउटसाइड पेज हो जाएगा, अगर ओमेगा आउटसाइड द पेज है तो अल्फा इनसाइड द पेज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखने, पैरेलल और एंटी पैरेलल। सिंपल है, मैंने लिख दिया यहाँ पर ओमेगा बड़े तो पैरेलल, अगर ओमेगा कम हो तो एंटी पैरेलल। अच्छा, ओमेगा अगर कांस्टेंट हो तो अल्फा जीरो, क्योंकि ओमेगा अल्फा की चेंज पर अल्फा जो है वो ओमेगा की चेंज पर डिपेंड कर रहा है, तो ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा की वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। देखिए, अभी हमने एक रिलेशन फाइंड किया, वो रिलेशन हमारे पास क्या था, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय आर। अब अगर डेल्टा एस की वैल्यू चाहिए तो आर डिवाइड कर रहा है, इसे मल्टीप्लाई करेगा, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इनटू डेल्टा थीटा। अगर दोनों साइड में टाइम के साथ डिवाइड कर दूं तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय टाइम, आर को सेम इज रखा, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा एस क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी मिल जाएगा। आर को हमने एज इज रखा और डेल्टा थीटा ओवर टी क्या था, ओमेगा। ठीक है, अब यहां पर देखें एक सर्कुलर पाथ है जिसमें ये सेंटर वाली पॉइंट से और ये हमारे पास है रेडियस, गिवन रेडियस। अब ये जो वी है ना, इसको हम टेंजेंशियल भी कह सकते हैं। इस ये जो वी है
इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको अगर आप चाहें तो टेंजेंशियल भी कह सकते हैं। तो दिस लीनियर वेलोसिटी इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो क्या होती है, जो किसी सर्किल के एक पॉइंट को टच करके बाहर निकल जाएगी। तो इसका डायरेक्शन हमेशा ऐसे बनेगा, या इसका डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इस साइड भी बन सकता है। अब देखें, लीनियर वेलोसिटी ऐसे है तो ओमेगा ऐसे, अगर लीनियर वेलोसिटी ऐसे तब भी ओमेगा ऐसे, यानी कि दोनों के साथ जो एंगल बन रही है वो परपेंडिकुलर बन रही है 90। याद रखिएगा वी और ओमेगा हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, मैंने लिख लिया है। तो वी ओमेगा आर परपेंडिकुलर बनेंगे, अगर वी और ओमेगा परपेंडिकुलर है तो आर भी इन पर परपेंडिकुलर बननी चाहिए, बिकॉज इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो भी परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, आप इसको सिंपली v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। अब यहां पर एक फॉर्मेशन हमें बताई गई है, देखिए ये सेंटर है किसी भी सर्किल पाथ का, उसके सराउंडिंग तीन पॉइंट्स हैं a b c, तीनों का रेडियस अलग है, ये कम रेडियस है, ये ज्यादा रेडियस है, ये थर्ड वन रेडियस है। तो यहां पर लिख दिया है कि rc इज ग्रेटर देन rb इज ग्रेटर देन r। अब कह रहा है कि अगर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी ओमेगा की वैल्यू सेम है, तो लीनियर स्पीड किसकी ज्यादा होगी। देखें v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा, अगर ओमेगा को आप सेम रखेंगे तो v इज प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका रेडियस ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, तो कहां पर स्पीड ज्यादा बनेगी, c पर ज्यादा बनेगी एज कम्पेयर टू b एज कम्पेयर टू a। तो इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है, ये रिलेशन बन सकते हैं, इनके इनवर्स या जो है ना वो डायरेक्ट रिलेशन बन सकते हैं। उसके बाद इसके मुतालिक एक और रिलेशन है जो हम एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन को देख लेते हैं। देखें कैसे, v इज इक्वल टू r ओमेगा पड़ा, v टेंजेंशियल है याद रखिएगा, डिवाइडेड बाय टाइम कर दें दोनों साइड, तो जो एक्सेलरेशन मिलेगी लीनियर a इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, r इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद करने हैं लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म्स में जो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी, जो आप वैसे पहले पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशंस में, उसको हमने एंगुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए ये इक्वेशन पढ़ी थी आपने, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ को ओमेगा एफ कर दिया, वी आई को ओमेगा आई कर दिया, ए को अल्फा कर दिया, गिविन टाइम टी है। आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी, एस इज इक्वल टू वी आई टू प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो एस को थीटा कर दिया, वी आई को ओमेगा आई कर दिया और ए को अल्फा कर दिया। एक इक्वेशन ओ पड़ी थी कि 2s is equal to vf square minus vi square, तो a को हमने अल्फा कर दिया, s को हमने थीटा कर दिया, vf को हमने ओमेगा f कर दिया, vi को हमने ओमेगा i कर दिया। तो इन इक्वेशंस को भी आपने क्या करना है, जहन में रखना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है, क्योंकि इस पर भी जो है ना फिर वो न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज कर सकते हैं। चले हम देख लेते हैं आगे हमारे पास जो है क्या है नेक्स्ट वन, एमसीक्यूज होने चाहिए आई थिंक, तो हम थोड़ा सा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये है भाई, इसमें पहला एमसीक्यू ये है कि आपने जो है वो एंगुलर वेलोसिटी बतानी है सेकंड हैंड वॉच की, अभी मैंने आपको बता दी थी, कितनी थी हमारे पास, हाँ जल्दी बता दे, 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, करेक्ट, तो 2 की टेबल इस पर कितनी मरतबा जाएगी, 30, तो पाई डिवाइडेड बाय 30, पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन पर सेकंड, समझ आ गया, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन में क्या कहता है, नेक्स्ट वन में कहता है अ व्हील ऑफ कार इज रोटेटिंग एट दिस स्पीड, ये इसकी एक स्पीड है 1200 revolutions पर मिनट, और जब हमने एक्सेलेरेटर दबाया 10 सेकंड के बाद में तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई, यानी ये ओमेगा आई है, ये 10 सेकंड टाइम है, ये ओमेगा एफ है, आपको क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, तो अल्फा क्या होती है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। अब एन revolutions को जब हमने कन्वर्ट किया था तो मैंने क्या बताया था, 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन के हिसाब से, तो 2 पाई को हमने एज इट इज रखा, ओमेगा जो एफ है वो कितनी है, जो है वो ओमेगा एफ देख लें 4500, तो ये देख लें माइनस, और ओमेगा आई कितनी है 1200, रिवोल्यूशंस पर मिनट है तो मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं 60, और डिवाइडेड बाय दिस 10 वन, इस 10 को भी 60 के साथ डिवाइड करेंगे, इसको माइनस कर दिया तो 3300 डिवाइडेड बाय 60 बचेगा, डिवाइडेड बाय 10 बचेगा, ठीक है, टेबल लगा दें सिंपली, देखें उसकी फॉर्मेशन में हमारे पास क्या बन जाएगी इन केसेस में, तो हमारे पास जो इसका आंसर, अच्छा इसको डिग्री पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो वी गॉट इट्स आंसर 1980 डिग्रीज पर सेकंड स्क्वायर। अब डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है समझाया था ना मैंने, मल्टीप्लाई बाय 360, तो इन हिसाब से हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और डिवाइडेड बाय 2 पाई करेंगे तो ये 2 पाई में खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये 1060 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 600 हो जाएगा, फिर ऐसे समझ लें कि 3300 डिवाइडेड बाय 600 एंड मल्टीप्लाई बाय 360, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यू गॉट 1980, ठीक है, सिर्फ मेथड समझना चाहिए, फिर आपको जो है ना खुद ब खुद इस चीजों को प्रूफ कर सकते हैं।
मैं ज्यादा जो है ना वो टाइम इस पर नहीं लूंगा, जस्ट हम फॉर्मेशन इसको कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास इसका अनदर एमसीक्यू है, उसमें क्या है, उसमें कह रहा है कि एक व्हील है जिसने अपनी 2000 रेवोल्यूशंस कंप्लीट की है, जिसने डिस्टेंस कितना कवर किया 9.5 किलोमीटर, तो डायमीटर ऑफ व्हील कितना है। ठीक है, अब एक रोटेशन के लिए जो व्हील डिस्टेंस कवर करेगा वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब 2 आर किसके बराबर होता है, पाई को एज इट इज रखेंगे और 2 आर क्या होता है, डायमीटर, क्योंकि डायमीटर यहां पर लिखा पड़ा है 2 आर के बराबर। तो 2000 रेवोल्यूशंस में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 के साथ बस, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय पाई इनटू डी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर कितना आएगा, 9.5 into 10 power 3 meters, given हमारे पास जो given है ये condition। ठीक है, तो ये वो हमारे पास किलोमीटर में, तो हम इसको meters में कन्वर्ट करेंगे, तो डायमीटर हमें कितना मिलेगा, 1.5 meters मिलेगा इन केसेस। इज इट क्लियर, समझ आ गया भाई, पाई की वैल्यू हम एज इट इज रखेंगे, हमें d चाहिए व्हिच इज द डायमीटर। ठीक है, और ये गिवन 2000 रेवोल्यूशंस के लिए कितना है, 9.5 into 10 power 3। तो ऐसे समझ लें कि ये एज इट इज रखेंगे और ये भी, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इससे लाके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इन केसेस, तो ये आके इस साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इन कंडीशन के हिसाब से। अच्छा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन कितना है, 1.5 सेंटीमीटर मीटर्स हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि हम इसको ऐसा यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास मीटर्स में आ जाएगा। चलें ये कर लेते हैं मैम, यहाँ पर ये समझ आया, देखें ये जो है ना 9.5 into 10 power 3, ये क्या है, ये वाला टर्म है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2000 रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम ये रखेंगे, देखिए यहाँ पर कर लेता हूँ, शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 10 पावर 3 और उस साइड क्या बचेगा, उस साइड बचेगा 2000 मल्टीप्लाई बाय पाई इनटू डी। अब पाई की वैल्यू आपको 3.14 पता है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आके डिवाइड करेगा और डायमीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्या है। कह रहा है कि एक व्हील है जो इनिशियली किसमें, रेस्ट में, तो ओमेगा आई किसके बराबर हो जाएगी, 0। ठीक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और बाद में कितनी हो रही है, 60 रेडियंस पर सेकंड। 5 सेकंड में तो हमें क्या चाहिए, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा क्या होता है, ओमेगा आई माइनस ओमेगा एफ डिवाइडेड बाय टी। ओमेगा आई 0 के बराबर, ओमेगा एफ कितनी है, 60 और टाइम 5 है, तो 60 डिवाइड बाय 5, तो 12 रेडियंस पर सेकंड पर आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन हमने पढ़ी, लेकिन ओमेगा आई 0 है तो जवाब क्या आएगा, 1/280 स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू 12 वो टाइम के स्क्वायर 5 रख के उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 की टेबल इस पर 6 मर्तबा आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गॉट 150 रेडियंस, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, ओके ओके, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन इतने डिफिकल्ट नहीं है, हाँ इसको थोड़ा समझना है। अब ये देखिएगा एमसीक्यूज, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये एक फिगर है जिसमें एक स्मॉल व्हील को हमने फिक्स किया है, बिगर वन डबल द रेडियस। कह रहा है कि स्मॉल व्हील फिक्स्ड कोएक्सियली, कोएक्सियली का क्या मतलब है कि सेम ही लाइन पर, सेम ही मतलब सर्किल के साथ हमने उसको अटैच किया है, ऑन अ बिगर वन डबल द रेडियस, उसका जो रेडियस है वो उसके डबल के बराबर है। दो सर्किल है यहाँ पर, देखिए एक ये सर्किल है, एक ये सर्किल है, इसका सर्किल इसके रेडियस जो ना डबल के बराबर रेडियस के। सिस्टम रोटेट्स अबाउट द कॉमन एक्सिस, एक कॉमन एक्सिस की तरफ रोटेट कर रहा है। द स्ट्रिंग सपोर्ट्स ए एंड बी, जो ए और बी को स्ट्रिंग सपोर्ट कर रही है, डू नॉट स्लिप ऑन द व्हील। ठीक है, इफ एक्स एंड वाई आर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड बी इन द टाइम इंटरवल, तो इन दोनों का हमें क्या बताना पड़ेगा, रिलेशन बताना पड़ेगा। देखें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर थेटा की वैल्यू कॉन्स्टेंट रखें, क्योंकि गिवन एंगल सर्किल के हिसाब से सेम ही है, भाई ये ले लें या ये ले लें, ये भी थेटा है तो ये भी थेटा है, क्योंकि हमारे पास कोसेंट्रिक सर्किल्स है ना जिनका सेंटर एक ही है। ये देखें इसका सेंटर भी यही है, इसका सेंटर भी यही है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास सेम हो जाएगी, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। दो डिस्टेंस है, ठीक है, ए ए और बी का, तो एस ऑफ ए डिवाइडेड बाय एस ऑफ बी, तो रेडियस भी वही होगा, रेडियस ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बी। अब ए बी का जो रेडियस है वो 2 टाइम्स ए के, सर्किल में देखते हैं ये सर्किल बी का है ये ए का है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इनकी कंपैरिजन में हम 1/2 ले रहे हैं और इनके डिस्टेंस को जो है हम y और x कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो y का करेस्पॉन्डिंग हमारे पास डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैसे, अगर हम x के डिस्टेंस को क्या कंसीडर कर रहे हैं, a वाला डिस्टेंस, तो यहाँ पर x, यहाँ पर y हो जाएगा, y इस साइड आ जाएगा, 2 इस साइड आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x। तो ये इक्वेशन समझ में आ गया, रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ बस वही, फिर हम रेशो निकालेंगे।
कह रहा है इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज दिस वन, एक पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का ये, उसकी एंगुलर स्पीड ये है, तो लीनियर वेलोसिटी क्या चाहिए बेटा? लीनियर वेलोसिटी होती है ओमेगा क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब ये डिटरमिनेंट आप पढ़ चुके हैं, एक मरतबा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आप आई लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, फिर आपने जे लेना है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म, फिर आपने के लेना है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम खत्म, फिर हम साइड वे से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो वी गॉट दिस आंसर, हमें ये आंसर आ रहा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं इसको मजीद डिस्कस नहीं करूंगा, आप इसको खुद ब खुद प्रूफ करेंगे, क्योंकि पीछे आपने ना इन चीजें सारी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, चलें। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर दो एमसीक्यू है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि ओवर्स, हाँ अब ओवर्स हैंड वॉच के लिए क्या होती है एंगुलर स्पीड, जल्दी से बता दे। हाँ ऑब्वियसली कौन सी होगी ओवर्स के लिए, डी, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 वो ओवर के लिए होती है। मिनट के लिए क्या होती है, हाँ 60 मल्टीप्लाई बाय 60। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस आर है और यूनिफॉर्म स्पीड वी है, तो उसकी जो एंगल होगी 1 सेकंड में वो किसके बराबर होगी, एंगल फॉर 1 सेकंड। हम एंगल फॉर 1 सेकंड को कैसे डिफाइन करेंगे, देखें वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा r, ओमेगा किसके बराबर है, थीटा डिवाइडेड बाय t, am I correct? थीटा डिवाइडेड बाय t के बराबर है ना, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, टाइम की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, तो v किसके बराबर हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा r into theta। अब अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एंगल, तो r मल्टीप्लाई कर रहा है ऐसे लाके डिवाइड करेगा, तो v into r inverse, क्योंकि वो इनवर्स हो जाएगा उसका, तो v r inverse, यानी d इज अ करेक्ट ऑप्शन। चले नेक्स्ट, आगे की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं क्या है। इन रोटेटिव मोशन लीनियर वेलोसिटीज ऑल ऑफ द पार्टिकल्स बॉडी आर, भाई लीनियर वेलोसिटीज डिफरेंट होती है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट होती है ना, तो टेंजेंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड ओवर हैंड आर, भाई मिनट हैंड को ओवर हैंड से डिवाइड करना है। मिनट हैंड कितना था, 2π डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2π, इसको डिवाइड करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, एम आई करेक्ट? डिवीजन में लेके जाएं तो क्या आंसर आएगा इसका, 2π डिवाइडेड बाय, देखिए इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूं भाई, इसको डिवाइड कर देंगे तो सामने वाले कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट, तो 2π में खत्म हो गया, 60 60 में खत्म हो गया, तो जो इसका आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो 12 ऊपर चला जाएगा, 12 रेशो पर, तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब कार क्योंकि देखें ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 12 रेशो पर, ये मैं डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, एक कार है जो ट्रेवल कर रही है नॉर्थ की तरफ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट गोज ओवर अ पीस ऑफ मड, मड के थ्रू जा रही है जो स्ट्राइक कर रही है पाइप पर, तो पार्टिकल्स ऑफ मड एज इट लीव द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को लीव्स करेंगे तो कैसे निकलेंगे, टेंजेंशियल निकलेंगे, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या है, हाँ नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ की तरफ जो उसका टेंजेंशियल बनेगा वो किसकी तरफ बनेगा, टुवर्ड्स साउथ बन जाएगा, तो वो टेंजेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या निकलती जाएगी, इस केस में व्हील अगर इस साइड रोटेट कर रहा है तो वो इस साइड निकलेंगे, और व्हील अगर इस साइड रोटेट कर रहा है तो वो इस साइड निकलेंगे, यानी उसके अपोजिट टेंजेंशियल ही निकलेंगे। चलें उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, ये है, इसमें क्या है, इसमें है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद दिस स्पीड, एक एरोप्लेन है जो स्पीड के साथ मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में दिस रेडियस से, तो एंगुलर स्पीड चाहिए, भाई ओमेगा किसके बराबर होगी, क्योंकि v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा, तो ओमेगा बराबर होती है v डिवाइडेड बाय r, तो v कितनी है 100 और r कितना है 100, गेट कैंसिल, तो 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक बॉडी है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगी, 0, क्यों 0 होगी, क्योंकि वो कांस्टेंट है, मैंने बताया था। वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा एट दिस वन एंड r दिस वन, v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट रूल अपनाना है, तो डिटरमिनेंट रूल जब हम अपनाएंगे तो यहां पर इसके आंसर्स लिखे पड़े नीचे, सो b इज इट्स करेक्ट आंसर, तो फिर b इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये देखें भाई कैसे i लेंगे तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम खत्म, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी आमने सामने वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसी तरीके के साथ आपने फॉर्मेशन करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं, ये है हमारे पास एमसीक्यूज, कह रहा है कि एक कार है जो सर्कुलर रोड के साथ मूव कर रही है सर्कुलर रोड में, इट डिस्क्राइब्स इक्वल एंगल्स अबाउट द सेंटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एंगल बना रही है तो वेलोसिटी के साथ क्या चीज जो है ना वो ट्रू रहेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन वेलोसिटी के चेंज होते जाएंगे, velocity is directed toward the center of circle, magnitude of velocity is constant but direction change, सुने अभी देखें,
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो इक्वल एंगल बनाता जा रहा है, मतलब इक्वल स्पीड के साथ मूव करता जाएगा मैग्नीट्यूड के साथ, लेकिन डायरेक्शन क्यों चेंज होता जाएगा वो मैंने अभी आपको बता दिया टेंजेंट के हिसाब से। तो इस हिसाब से आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम मूव करते हैं, आई थिंक ये लास्ट एमसीक्यू है। एक स्कूटर है जो सर्कुलर पाथ में सर्कुलर रोड पर मूव कर रहा है विद दिस स्पीड, विद दिस रेडियस एंड स्पीड दिस वन, तो एंगुलर स्पीड क्या होगी? तो ओमेगा किसके बराबर होती है? वी डिवाइडेड बाय आर। तो वी कितनी है? 10, और आर कितनी है? 100। जीरो खत्म कर दें, जीरो खत्म कर दें तो 0.1। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो दैट यू गॉट ऑल दीज एमसीक्यूज क्लियरली। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।